राधे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हाउसवाइफ डेयरी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी आटा पंजीरी की रेसिपी। आटा पंजीरी फ्रेंड्स हम सत्यनारायण की कथा में, भागवत पूजन में या फिर जब जन्माष्टमी पड़ती है उस दिन अपने घरों में जरूर से बनाते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बन के तैयार होती है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए बनाते हैं आज हम आटा पंजीरी। आटा पंजीरी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा 150 ग्राम, घी 50 ग्राम, बूरा 100 ग्राम, अगर आपको बूरा ना मिले तो आप शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, मखाने 10-12, इलायची पाउडर, काजू, बादाम, किशमिश और थोड़ा सा कोकोनट। सबसे पहले फ्रेंड्स हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी लेंगे, उसमें काजू और बादाम को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग सेपरेटली तलेंगे, फिर उसके बाद में यूज में लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का साइज आप अपने मन के हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा मोटा मोटा काटा हुआ है। काजू जब हल्का सा येलोइश हो जाए तब हम काजू और बादाम को अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे, फिर इसके बाद में हम किशमिश को तलेंगे। किशमिश को भी फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं तलना है, जब वो हल्की सी फूल जाए, पॉपअप हो जाए, उतनी ही देर के लिए हमें किशमिश को तलना है। उसके बाद में किशमिश को भी हमें निकाल के अलग बर्तन में रख लेना है। किशमिश के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसी कढ़ाई में, इसी घी में कोकोनट को भी हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको कोकोनट को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, आप उसको 5-7 सेकंड के लिए बस हल्का सा कढ़ाई में डालकर चलाइए और निकाल लीजिए। लास्ट में फ्रेंड्स अब हम मखाने तलेंगे। मखाने में क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा घी लगता है, इसलिए यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून घी और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। खानों को भी हल्का सा क्रंची होने तक के लिए हम अच्छे से सेक लेंगे। खानों को चाहे तो आप पहले से कट करके फिर सेकिए, या फिर आप जब ये सिक जाए, क्रंची हो जाए, तब आप इनको कुचल भी सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स घी में अच्छे से सिक कर तैयार हैं। आटे के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 3-4 टेबल स्पून घी का यूज किया है। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तब आप उसमें आटा डाल दीजिए। आटे को फ्रेंड्स आप एकदम से हाई फ्लेम पे ना डालिए और ना ही उसको हाई फ्लेम पे भूनिए। कढ़ाई गर्म होने के बाद में फ्रेंड्स आप पंजीरी को लो फ्लेम पे ही भूनिए। इससे पंजीरी का जो टेक्सचर होता है, आटे का जो टेक्सचर होता है, वो बहुत अच्छा आता है। क्योंकि मैंने इसको लो फ्लेम पे रख के भूना है, जिससे कि आटे का जो रवा होता है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है और पंजीरी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसलिए कभी भी आटे को आप हाई फ्लेम पे ना भूनिए, हमेशा आटे को कढ़ाई गर्म होने के बाद में लो फ्लेम पे ही भूनिए। देखेंगे धीरे धीरे करके गेहूं का आटा जो है वो अपना कलर चेंज करने लगेगा। इतने आटे को भूनने में फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पे लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा जो है वो एकदम से कलर उसने चेंज कर दिया है, हल्का गोल्डन कलर का हो गया है वो, और खुशबू भी इसमें से बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा आटा भी भूनकर अच्छे तरीके से तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद में ही हम इसमें सारी चीजें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स हमारा आटा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें कुटी हुई इलायची ऐड करूंगी, बूरा ऐड करूंगी और जो हमने ड्राई फ्रूट्स घी में तले हुए हैं उनको ऐड कर दूंगी। इन सारी चीज़ों को अब हम आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि मिठास जो है हमारी वो हर जगह पहुंच जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी आटे की पंजीरी बनकर एकदम तैयार है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। लेकिन इसको भगवान को चढ़ाने से पहले आप इसमें तुलसी पत्ता लगाना ना भूलें। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी आटे की पंजीरी बनकर एकदम तैयार है।